देखिए, मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे। झारखंड में मनरेगा योजना में सेवा दे रहे 5000 से ज्यादा मनरेगा कर्मी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने निकले हैं। मनरेगा कर्मियों के आंदोलन के समय विभागीय मंत्री अपने आवास पर ही हैं। इधर विधानसभा मैदान से मंत्री आलमगीर आलम के आवास घेरने के लिए निकले मनरेगा कर्मियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद मनरेगा कर्मी वहीं सड़क किनारे धरना पर बैठ गए। इन सब का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल कार्य करने के बाद परमानेंट कर देना चाहिए। हालांकि 15 सालों से काम कर रहे हैं। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि हमें अस्थायीकरण की जाए। धरना पर बैठे मनरेगा कर्मियों से मिलने खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री आलमगीर आलम ने। देखिए, मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे और इस बार भी उनका मानदेय का हम लोग वृद्धि किया है। मेडिकल का भी व्यवस्था हम लोग किए, इंश्योरेंस का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, कैजुअलिटी जो हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था किए हैं, थोड़े हल्का फुल्का बीमार हो जाते हैं उसका लिए भी व्यवस्था हम लोग किए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग का जो है मान्य समरूप सब्जा एक तरह नहीं बढ़ा, लेकिन विगत दिनों में जो हुआ था कि कुछ ऐसा कर्मी था जिसका 7000-7500 वेतन था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सारे बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने किसी का 2500, किसी का 3500 तक हम लोग वृद्धि किए हैं। और इंश्योरेंस और मेडिकल जिसमें 9 करोड़, 7 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया लगा, वो भी व्यवस्था हम लोग कर दिए। अब इन लोगों ने कहा कि सम्मानजनक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम रह गया, उसमें हम लोग का कुछ वृद्धि और भी होना चाहिए था। हमने इन लोगों से आश्वस्त किए कि आप लोग काम का शुरुआत कीजिए और हमने जो पैसा हमें कंट्रेक्टसी में मिलता है 100% फिर 8% कटता है, उसी से हम देते हैं। तो फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप जिस बिंदुओं पर हमसे आज उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उनसे बातचीत हुई कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपका मानदेय का जो चिंता है उसको हम निश्चित तौर पर आगे करें। को लेकर नहीं, स्थायीकरण का उसका जो बोले 2007 में एक मैनुअल था उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। पर हम लोग आज पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी अपनी अस्थायीकरण और समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर माननीय मंत्री जी का आवास घेराव किए थे। हमारा एक डेलीगेट गया, माननीय मंत्री जी से वार्ता किया, मंत्री जी ने समान काम समान वेतन लागू करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। चूँकि आश्वासन पर ही हम लोग हड़ताल वापस लेते हैं, आज का धरना भी उसी तर्ज पर हम लोग माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको हम लोग संतोषजनक मानते हुए अभी हम लोग अपने साथियों से बात करेंगे कि ये बातें हुई है, इसके बाद जो विचार विमर्श होगा आज का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग विड्रॉ करेंगे। देखिए, आश्वासन मिला है, समय मांगा है मंत्री जी ने, जो डेडलाइन मिला है उस समय तक 2 महीने का डेडलाइन हम लोगों को मिला है। अगर 2 महीने के अंदर नहीं होगा तो और भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। हाँ, अभी जो मनरेगा माननीय मंत्री जी ने बातें कही हैं उससे मनरेगा कर्मी संतुष्ट हैं और हम लोगों को मंत्री जी पर भरोसा करना चाहिए। हम लोग मंत्री जी पर भरोसा करके कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, नहीं मांग पूरा होगा तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम विकास पांडे, प्रदेश सचिव। लोगों की मांग है कि हम लोग लगातार 15 वर्षों से कार्यरत है। हम लोगों ने विगत वर्ष भी हड़ताल किया था लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए हमें टाल दिया और हेमंत सरकार का एंट्री इस वादे पर हुआ था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाएगा, पर वो वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है कि जो कर्मी 1 साथ 10 वर्षों तक कहीं कार्यरत है उनको परमानेंट कर दिया जाए, पर आज तक हेमंत सरकार का इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया गया और वो मानदेय बढ़ाते, पहली बात तो बढ़ाते ही नहीं है, अगर वो बढ़ाते भी है तो इतना बढ़ाते हैं जिससे कि एक आदमी ना तो अपना परिवार पाल सकता है, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो हम लोग अपने ग्रामीण विकास मंत्री को यही याद दिलाने आए थे कि आप लोग जिस वादे के साथ अपने सत्ता पर आए हैं उसे पूरा कीजिए, मनरेगा कर्मियों को परमानेंट कीजिए और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक अच्छा जीवन दीजिए। अभी हमारे मनरेगा कर्मी जब ज्वाइन किए थे वो अब उम्र के इस पड़ाव में पहुँच चुके हैं कि वो अब कहीं और नहीं जा सकते हैं।
तो सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए आए हैं कि हम लोगों को परमानेंट कीजिए और अपना वादा को पूरा कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।